हर पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी जनता को लुभाने के लिए चाय वाले से अब चौकीदार बन चुके हैं और चौकीदार बनते ही जनता और विपक्षी पार्टी जमकर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार रोजगार के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने हर साल युवाओं को करोड़ों रोजगार देने का ऐलान किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद से सरकार अपना ये वादा पूरा करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित रही। लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी के मंत्री दोबारा से पीएम का सपना देख रही है। तो वहीं अब जनता समझ चुकी है बीजेपी की चाल, इसलिए बीजेपी के दो नेता पर कई युवक भड़क गए। बता दें, मोदी सरकार के दो मंत्रियों के खिलाफ भड़के वोटर्स बीजेपी के मंत्री महेश शर्मा और वीके सिंह हैं। बता दें कि महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर और वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद है। महेश शर्मा के संसदीय क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा इलाके में कई युवा मोदी तुझसे वैर नहीं, महेश शर्मा तेरी खैर नहीं जैसे नारों से उनका विरोध कर रहे थे। धनकोर के पास अस्थोली गांव में कुछ युवाओं ने इस नारे के साथ प्रदर्शन भी किया। कई लोग सोशल मीडिया पर भी महेश शर्मा के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इस वोटर का कहना है कि महेश शर्मा ने 5 साल में उनके इलाकों में ना तो कुछ खास काम किया और ना ही वक्त दिया। ये लोग बीजेपी को साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो वोट के जरिए वो खुद बदल देंगे। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कई नेता मोदी लहर में सीट जीतने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस बार इन चुनाव में स्थिति बदली नजर आ रही है और यही असली वजह है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की संभावित उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र के एक गाँव का दौरा किया था, जिसके बाद उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में गुर्जर मतदाताओं का दबदबा है, शहरी इलाकों में महेश शर्मा का जनाधार माना जाता है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।